रावण से जुड़े अनसुने रहस्य। इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि रावण हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अहम हिस्सा है। अगर रावण ना होता तो शायद हम न्याय के अन्याय पर जीत को इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। वो रावण ही है जिसकी वजह से दुनिया ये जान पाई कि ज्ञान और वरदान कितना भी हो, लेकिन सच झूठ, सही गलत और न्याय अन्याय का अंतर ना पता हो तो अंत निश्चित है। दोस्तों, रावण रामायण का एक ऐसा किरदार है जिसे जैसा दिखाया गया दुनिया ने उसे वैसा ही देखा। लेकिन आज हम आपको रावण से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको मालूम हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। रावण कुंभकर्ण पूर्व जन्म में थे भगवान विष्णु के द्वारपाल। क्या आपको मालूम है कि रावण और कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे? जी हाँ, ये दोनों जय और विजय नाम से वैकुंठ के द्वार रक्षक थे। एक श्राप की वजह से दोनों को अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। दरअसल एक बार भगवान ब्रह्मा के चार कुमार, जिन्हें हमेशा ही 5 वर्ष के ही होने का वरदान प्राप्त था, वे भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे। लेकिन उन्हें शरारती बच्चे समझकर जय और विजय ने उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वे अपने स्वामी से अलग हो जाएंगे। और जब अपनी गलती का एहसास होने पर जय और विजय ने माफी मांगी, वे या तो विष्णु के अवतारों के सहयोगी के रूप में पृथ्वी पर 7 जीवन दान या उनके शत्रु के रूप में 3 जीवन काल बिता सकते हैं। जय और विजय ने बाद वाले को चुना और फिर उन 3 जन्मों में से एक में जय विजय का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। रावण था ब्रह्मा का परपोता। ये तो हम सब जानते ही हैं कि रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था, क्योंकि रावण के पिता प्रसिद्ध ऋषि विश्वा थे और रावण की माँ दैत्य राजकुमारी कैक्सी थी। लेकिन ये शायद ही कोई जानता हो कि रावण ब्रह्मा का परपोता था। रावण के पिता महर्षि विश्वा प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे और पुलस्त्य जो ब्रह्मा के 10 मनजन्म पुत्रों में से एक थे। रावण का असली नाम रावण नहीं था, भले ही दुनिया भर में रावण अपने इसी नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता हो, लेकिन रावण उसका असली नाम नहीं था। जी हाँ, रावण के जन्म के वक्त उसका नाम दशानन रखा गया था। लेकिन एक बार रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका में स्थानांतरित करना चाहता था, जिसके लिए उसने पर्वत उठा लिया। लेकिन शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और अपने एक पैर की अंगुली से रावण की अंगुली कुचल दी। रावण दर्द से दहाड़ा, लहूलुहान स्थिति में होने के बावजूद रावण ने शिव तांडव स्तोत्र शुरू कर दिया। रावण के इस भक्ति से शिव प्रभावित हो गए और तभी उन्होंने उसे रावण का नाम दिया। रावण का मतलब होता है जो व्यक्ति जोर से दहाड़ता हो। लक्ष्मण ने रावण से लिया था शासन कला और कूटनीति का ज्ञान। रावण के ज्ञान के बारे में तो हर कोई जानता है, रावण शासन कला और राजनीति में भी माहिर था। कहते हैं जब श्री राम के वार के बाद रावण अपनी आखिरी सांस ले रहा था, तो श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास शासन कला और कूटनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था और रावण ने लक्ष्मण को इससे जुड़ी कुछ बातें भी बताई थी। आपको बता दें कि आज भी पूरे भारत में कई जगह रावण को लेकर अलग मान्यता है। कई जगहों पर आज भी लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। अभी भी कई जगहों पर रामलीला तो मनाई जाती है, लेकिन 10वें दिन रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। लोगों की तो ये भी मान्यता है कि रावण के पुतले की लकड़ी घर में रखने से भूत पिशाच दूर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि रावण के बारे में ये अनसुने रहस्य जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी रावण के बारे में कुछ और बातें जान सके। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब करें। आप हमसे हमारे Facebook पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।